नमस्कार, मैं राकेश पाठक ज्योतिष शिरोमणि आज आपको बताता हूं जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, वो कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज उनमें होती हैं। सबसे पहला तो जरूरी यह है कि उनको जो भी काम स्टार्ट करें वो हमेशा सोमवार के दिन करना चाहिए, सफलता मिलेगी क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर का स्वामी है। कैसे होते हैं वो लोग? बहुत इमोशनल होते हैं। चंद्रमा भावनाओं का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, तो वो बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। करते वही हैं जो चाहते हैं, लेकिन मानेंगे सबकी। आप बोलोगे छाता ले जाओ, कहेंगे ठीक है ले जाते हैं, बारिश हो रही है, लेकिन जाएंगे बिना छाते के। तो करेंगे वही जो मन में है, मानेंगे सबकी, किसी को ना नहीं करेंगे। इनसे अगर आप किसी चीज के लिए ना पूछो तो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। चाहते हैं कि लोग इनको बढ़ावा दें, लोग इनको पैंपर करें, पैंपरिंग लोग इनकी करें। ये किसी भी फीमेल से अगर रिलेशन इनका है, कोई मेल है और उसका रिलेशन फीमेल से है, या कोई फीमेल है उसका रिलेशन मेल से है, तो ये जल्दी खुल जाता है, बहुत जल्दी मालूम चल जाता है। जैसे ही इनको स्ट्रेस होती है, इनमें खास बात होती है, इनके पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमेशा देखिएगा, इन तारीख वालों को स्ट्रेस होते ही इनका पेट में डिसऑर्डर हो जाएगा। किसी भी चीज को ये लगातार कंप्लीट नहीं करते, एक काम शुरू कर देंगे थक जाएंगे, बीच में दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे, ये इनमें कमी होती है। कैसे इनको मैनेज करना है? इनको कभी भी स्ट्रेस मत दीजिए। जिन लोगों का इन तारीखों में जन्म हुआ है उन लोगों को कोशिश करें, अगर पत्नी हो तो पति, पति हो तो पत्नी, उनको स्ट्रेस ना दे। और उनके लिए प्रिकॉशन क्या है कि वो एक बार में एक काम करें, दो दो तीन तीन काम ना करें। जब पहला काम कंप्लीट हो जाए तो दूसरा काम करें, और अपने मित्रों को बनाने में, दोस्तों को बनाने में बहुत ही केयरफुल रहें। धन्यवाद।